We'll start with the prayer. Join your hands, close your eyes for Mesa Guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tatsmay Shri, Guruve Namaha, Tatsmay Shri, Guruve Namaha, Tatsmay Shri, Guruve Namaha. प्रेयर किया सबने, अभी चलो लास्ट मंथ अपने माइसेल्फ के बारे में रिवीजन किए थे और इस बार क्या करेंगे. जुलाई में क्या था आपका? कलर्स. और हमने बहुत सारे कलर सीखे थे, राइट. अभी हम उनके बारे में रिवीजन करेंगे. अच्छा चलो, अब मुझे पहले से कुछ कलर्स के नाम बताओ. यस, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, गोल्डन, पिंक, ऑरेंज. वाओ, इतने सारे कलर्स आपने सीखे थे. अभी मैं आपको फ्लैश कार्ड्स दिखाती हूँ. ओके, विच कलर इज दिस? यस, ब्लैक. ब्लैक से क्या क्या होता है? ब्लैक बोट, पेंगुइन, क्रो, बैट. ये वाला बैट नहीं, जो उड़ते है ना बैट, एनिमल जो, वो वाला बैट, खेलने वाला बैट नहीं. एंड देन इट्स अ टायर एंड दिस इज एन एंट. यस, चलो अभी विच कलर इज दिस? ऑरेंज. यस, और मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट्स बताओ ऑरेंज कलर के. चलो फ्लैश कार्ड से. बॉल. यस, पम्पकिन, कैरेट, ऑरेंज, ऑरेंज जूस, वेरी गुड. एंड ऑरेंज मैरीगोल्ड फ्लावर. ओके नेक्स्ट, ये कौन सा कलर है? व्हाइट. व्हाइट कलर क्या क्या होता है? पेपर जिस पे आप लिखते हो. और क्या क्या होता है व्हाइट कलर का? स्नोमैन. और जो सांता क्लॉज होता है उसके यहाँ पे भी बियर्ड होती है ना, वो व्हाइट कलर की होती है. एंड क्लाउड्स एंड अ स्वॉर्म, ये सब बेड, आइस, न्यूज पेपर, सब व्हाइट कलर के होते हैं. एंड व्हाट कलर इज दिस? पिंक. यस, पिंक आइसक्रीम है, पिंक फ्लावर है, पिंक पिंक लिप्स, पिंक इन कलर. एंड स्ट्रॉबेरी शेक. यस, अभी नेक्स्ट, विच कलर इज दिस? दिस इज ब्लू कलर. ब्लू कलर का क्या होता है? स्काई और अर्थ. इट्स सराउंडेड बाय वाटर, इट्स ब्लू इन कलर. देन इट्स व्हील, व्हील हैज ब्लू कलर एंड इट स्टेज इन सी. एंड दिस इज, इट्स अ पीकॉक. एंड दिस आर ब्लूबेरीज. विच कलर इज दिस? येलो. सन, कॉर्न, banana and many other things which are yellow in color. Next, which color is this? Red. Red se kya hota hai? Red se car hai, apple hai, strawberry hai, tomato hai, rose flower, ladybug. Which color is this? Green. Green se kya hota hai? Trees. सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, पीज, और सब खाना चाहिए. वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू. यस, ये था कलर्स के बारे में. कलर्स में आपने और क्या किया था? बहुत सारी कलरिंग की थी, जिससे आपकी ग्रिप अच्छी हो गई थी, तो आपको राइटिंग में भी इजी होता है, राइट. कलर्स, यस, बहुत सारे कलर्स. फिर आपने बहुत सारी एक्टिविटी की थी, कलर मिक्सिंग एक्टिविटी की थी, और बहुत सारे कप्स थे उसमें भी आपने कलर किए थे, क्लिप्स के कलर्स भी बनाए थे. अभी इसके बाद आपने क्या सीखेंगे? आज लास्ट वीक आपने क्या सीखा था? समर सीजन के बारे में. और इस वीक हमने अपन क्या सीखेंगे? विंटर. वाओ, किसको किसको पसंद है स्नो में खेलना? हाँ, मुझे भी, हम सबको पसंद है. अपने यहाँ स्नो नहीं होती, पर हाँ कहीं कहीं होती है ना, वहाँ पे बहुत मस्ती. विंटर सीजन में क्या होता है आपको पता है?
ठंडी, बहुत सारी ठंडी होती है। सबसे कोल्डेस्ट होता है विंटर सीजन, बहुत सारी ठंडी होती है। और ट्रीज में ना लीव्स नहीं होते समर के जैसे, समर में बहुत सारे लीव्स होते ट्रीज पे और विंटर में नहीं होते हैं। और ठंडी लगती है तो हम ज़्यादा क्लोथ्स पहनते हैं, समर के जैसे कॉटन में मोटे मोटे वुलन वाले कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और विंटर्स में क्रिसमस भी आता है, हम वो भी सेलिब्रेट करते हैं। यस, अभी देखो पहले मैंने आपको एक विंटर का पिक्चर दिखाती हूँ। सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ सीनरी ऑफ विंटर। यहाँ पे देखो इसने वुलन कैप पहना, मैंने आपको बोला ना वुलन क्लोथ पहनते, शी इज़ वेयरिंग अ वुलन कैप। फिर इसके पास स्वेटर है, यहाँ पे स्नोमैन है, उसके ऊपर स्कार्फ है, यहाँ पे स्नो है बहुत सारी। और देखो यहाँ पे इसने ग्लव्स भी पहने, कौन कौन पहनता है ग्लव्स फिंगर्स में, और फिर विगल करते हैं। यस, तो विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे, टू कीप अस वार्म। और बहुत सारा खेलते हैं, मस्ती करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। विंटर सीजन और बहुत ठंडी होती है विंटर में, और नींद भी बहुत आती है ना, इसलिए अब स्कूल लेट आते हो। अभी चलो पहले विंटर वेयर पे जाते हैं। विंटर वेयर में क्या आता है, देखो विंटर कैप, देखो ये वूल का है। फिर अपने ग्लव्स पहनते हैं हैंड्स में ताकि ठंडी ना लगे, दिस इज अ स्वेटर। फिर उसके बाद जैकेट, ये देखो मफलर जो अपने नेक के अराउंड रैप करते हैं। एंड दीज आर द बूट्स, स्नो पे जब जाते हैं तो ये बूट्स पहनते हैं ताकि सॉक्स, ताकि हमको ठंडी कम लगे। देखो ये लड़की ने सब पहना है, कैप है, स्कार्फ है, इसके पास स्वेटर जैकेट है, सॉक्स शूज है, और फुल्ली कवर्ड है तो ठंडी नहीं लगेगी, तो ये बीमार नहीं पड़ेगी। सो विंटर में वी नीड टू कीप अस एंड कवर बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। एंड हम लोग खाना क्या खाते हैं, समर में सब ठंडी चीजें और विंटर में गरम गरम चीजें। यस, अभी देखो कॉफी, यस कॉफी पीने से अच्छा लगता है, वी डोंट फील दैट कोल्ड, और हमें ठंडी भी नहीं पकड़ती, वी फील वार्म इन आवर नेक, फूड पाइप में। और देखो बहुत अच्छा लगता है, वी ड्रिंक कोक, हॉट कॉफी। एंड दिस इज सूप, किसको पसंद है, वेजिटेबल सूप तो मोस्टली पीना चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी, कीप्स अ स्ट्रॉन्ग। टोमेटो सूप, वेजिटेबल सूप, स्वीट कॉर्न सूप, घर पे बनाओ और अच्छा अच्छा पियो और ठंड को भगाओ। एंड कैरेट्स, कैरेट्स मिलते हैं ना, मम्मा गाजर का हलवा भी बनाती है, यम्मी यम्मी, मेरे को तो बहुत मन हो गया खाने का, वाओ विंटर्स में। और कैरेट्स आर वेरी गुड ऑल्सो फॉर अस। यस, एंड ये देखो खिचड़ी, यस खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी, रात को अच्छी लगती, गरम गरम होती है ना, लेकिन स्लर्प इट डाउन, वेरी फ्रेश लुक्स, वेरी टेस्टी टू ईट, भले इट डजंट लुक सो मच अपीलिंग टू आवर आइज़, बट इट्स वेरी टेस्टी, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ, और बहुत अच्छा लगता है खाने में। व्हेन यू ईट मसाला खिचड़ी, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुडी खिचड़ी इन विंटर। एंड देखो स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं, किसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, हैंड्स रेज करो फटाफट फटाफट। यस, मुझे भी बहुत पसंद है। और टी, कॉफी भी, टी भी और मिल्क भी, ये तीनों पी सकते हैं अपन। आपके जो तो आपको मिल्क ज़्यादा पीना चाहिए, पेरेंट्स आपके बड़े होते तो वो कॉफ़ी और चाय पी लेते हैं, आपको क्या पीना चाहिए, दूध स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यस, बॉडी बॉडी दिखाओ, बॉडी मिल्क पियो और बॉडी दिखाओ। यस, विंटर में गरम कपड़े पहनते हैं, गरम खाना खाते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, और अच्छे से कवर करके रखना चाहिए क्योंकि बहुत ठंडी होती है विंटर में, है ना, समझ आया विंटर सीजन में अपन क्या क्या करते हैं। और पता है उसके बाद आपको क्या करना है, विंटर सीजन करने के बाद वर्कशीट, चलो आज अपने क्या करने वाले हैं वर्कशीट में, वर्कशीट 21, इसमें क्या है, जो हम खाना खाते हैं विंटर सीजन में उसको कलर करना है, और जो हम कपड़े पहनते हैं उनको टिक करना है, जो सिर्फ विंटर में पहनते हैं, ओके, उनको टिक करना है। और उसके साथ साथ अपन चलेंगे आज पेज नंबर 23 पे। यस, 23 में क्या है, इसमें दिया हुआ है इन द विंटर विच इज कोल्ड एंड समटाइम्स इट स्नोज, मैंने आपको बोला था ना बहुत ठंडी होती है और बर्फ भी होती है कहीं कहीं, और इसीलिए अपने को क्या करना है,
शक्ल करना है उन ड्रेसेस को जो आप विंटर में पहनते हो. ओके, आया सबको समझ में? यस, वेरी गुड. और साथ ही साथ अभी चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपना ये वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद. ओके, ये होली होली पोली अप अप अप, होली पोली होली पोली डाउन डाउन डाउन, होली पोली होली पोली आउट आउट आउट, होली पोली होली पोली इन इन इन. नाउ लेट्स सिंग टुगेदर. Go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stops to tie his shoe, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. The ants go marching three by three. The little one stops to climb a tree, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching four by four, hurrah, hurrah. The ants go marching four by four, hurrah, hurrah. The ants go marching four by four. The little one stops to shut the door, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching five by five, hurrah, hurrah. The ants go marching five by five, hurrah, hurrah. The ants go marching five by five. The little one stops to take a dive, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching six by six, hurrah, hurrah. The ants go marching six by six, hurrah, hurrah. The ants go marching six by six. The little one stops to pick up sticks, and they all go marching down to the ground to get out
of the rain. Boom, 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 the ants go marching 7 by 7. Hurrah, hurrah, the ants go marching 7 by 7. Hurrah, hurrah, the ants go marching 7 by 7. The little one stops to pray to heaven. They all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 the ants go marching 8 by 8. Hurrah, hurrah, the ants go marching 8 by 8. Hurrah, hurrah, the ants go marching 8 by 8. The little one stops to roller skate and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 the ants go marching 9 by 9. Hurrah, hurrah, the ants go marching 9 by 9. Hurrah, hurrah, the ants go marching 9 by 9. The little one stops to check the time and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 the ants go marching 10 by 10. Hurrah, hurrah, the ants go marching 10 by 10. Hurrah, hurrah, the ants go marching 10 by 10. The little one stops to shout the end. ऑल प्ले ऑल वर्क इन नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो अभी थोड़ा सा खेलेंगे. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? ग्रॉस मोटर. ग्रॉस मोटर क्या करता है? एनर्जाइज. यस, मस्ती मस्ती करेंगे और साथ में स्ट्रांग भी बनेंगे थोड़ा सा. ओके, जब मैं अभी पहले स्पून लो मुंह में. यस, और उस पर लेमन को बैलेंस करो. ये कौन सा रेस है? लेमन बैलेंसिंग रेस. यस, जब मैं बोलूंगी गेट सेट गो, जब मैं बोलूंगी ऑन ए मार्क सेट गो रेडी, तब आपको वॉक करना है. ओके, शो मी थम्स अप. रेडी हो? यस. ऑन ए मार्क गेट सेट गो. यस, आपको बैलेंस करना है और चल के मेरे पास आना है. वेरी गुड, मजा आया सबको? तो आप वापस मेरे पास से वॉल तक भी जा सकते हो. ओके, वेरी गुड. अभी हम लोग करेंगे सिटअप्स, पहले स्टैंडिंग के फिर स्लीप करके. ओके, तो चलो अभी पहले स्टैंडिंग सिटअप्स करेंगे. हैंड स्ट्रेट करो आगे की तरफ और ऐसे ही इसी पोजीशन में सिटअप्स करना है. ओके, ऑन ए मार्क सेट गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऐसे आप लोग कर सकते हो. ओके, एंड उसके बाद ईयर्स पकड़ो, ईयर्स पकड़ो. यस, सॉरी पोजीशन, बट आपको सॉरी नहीं बोलना, आपने कोई गलती नहीं की है. इससे पता है आपके ब्रेन स्ट्रांग होते हैं जब आप ईयर्स पुल करते हो तो. ओके, इसीलिए हम लोग ऐसे आप सिटअप्स करेंगे. तो चलो, ऑन ए मार्क सेट गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आपको पनिशमेंट नहीं मिली है, याद रखना. हम लोग सिर्फ आपके मसल्स स्ट्रांग करेंगे, इसके लिए अपन ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं, सो दैट वी फील स्ट्रांग एंड पावरफुल. ओके, ये अभी स्लीपिंग सिटअप्स. अभी पहले बैठ जाओ, उसके बाद लेटो. चलो, वेरी गुड. हैंड्स नेक के पीछे, हैंड्स को नेक के पीछे लो. नेक, नेक, यस. और लेग्स को फोल्ड करो थोड़ा सा. हाँ, वेरी गुड. अभी सिटअप्स करेंगे. 1, यस, ट्राई, कीप ट्राइंग. वेरी गुड. 2, ये 3, यप 4. ऐसे आप 8 to 10 टाइम्स कर सकते हो, आपकी आपके स्टमक्स भी कम हो जाएंगे और आप लोग के क्रंचेस बन जाएंगे, एब्स बन जाएंगे, आप लोग के फेवरेट हीरो हीरोइन के जैसे. राइट, करते कंटिन्यू करो.
करो और यस चलो उठो ट्राई करो. वेरी गुड. हेडिंग टुवर्ड्स आवर लैंग्वेज पार्ट. इसमें क्या करेंगे अपन? एज यूजुअल रिवीजन ऑफ ओरल ऑफ ए टू जेड. And after that, we'll go for the days of the week and months of the year. So, let's start with the recitation of A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? चलो और एक बार आप लोगों को सबको मेरे साथ गाना है. ओके रेडी? अभी थोड़ा सा स्पीड में. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Yay! Clap! Chal, abhi days of the week. How many days are there in a week? There are 7 days. Can you name them? Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, फ्राइडे एंड सैटरडे. चलो अभी मैंने आपको बताया, अभी आप फटाफट एक बार और आप सबको एक साथ आप लोग बोलो मुझे. ओके 3 2 1 गो. यस संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूजडे, देन वेंसडे, आफ्टर दैट थर्सडे, देन वी हैव Saturday, Friday, and then Saturday. Yay! Very good. And abhi iske baad kya hai? Months in a year. There are 12 months in a year. And what are those months? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. अभी आप लोग बोलो. ओके January, उसके बाद yes February, फिर March and then April, फिर May. Very good. उसके बाद June and then July, फिर August, September, October. Very good. And then the last 2 months, November and December. Very good. Clap, clap, clap. Okay. अभी हम लोग लास्ट वीक क्या किए थे? ए बी सी डी का रिवीजन. इस बार अपन क्या करेंगे? यस ई एफ एंड जी और एच. और इन पिक्चर कार्ड से रिवाइज करना फटाफट हो जाएगा एकदम से. तो पहले ई से कर दे. व्हाट इज दिस? मदर ई. एंड दिस वन अ बेबी ई. ई फॉर एलिफेंट. E for engine. E for envelope. Then E for eggs. And what is this? E for earth. जहाँ पे अपन सब रहते हैं. And what is this? E for ear. And this one E for eagle. It flies high up in the sky. And then what is this? Yes, mother F and baby F. Can you tell me what is this? Yes, correct. It's a fish. And this one, it's a fan. And next, this one, yes, fruits. और ये क्या है? Flowers. Then we come to this. What's this? It's a frog. When do you see a frog? Rainy season. Correct. And what is this? It's family where all of you stay together.
And what is this? It's yes, it's a fairy. Very good. आप लोग सबको तो याद है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग. F के बाद क्या आता है? ये G. And what is this? A mother G है ना? Yes, very good. ये क्या है? Grapes. और ये क्या है? कौन बताएगा? Fast, fast, fast. अरे वाह, गिटार. और ये कौन है? Girl. How many girls are there? चलो raise your hands. जितने भी girls हैं सब अपने hands को raise करो. Very good. And what is this? It's a giraffe. और ये क्या है? Gate. Gate बंद कर देने से कोई नहीं आ सकता, खोल देने से कोई आ सकता है. और ये क्या है? जल्दी से बताओ. Green color. और ये grass. Very good. और जी के बाद क्या आता है? अच्छा तो ये एच है. ये कौन सा एच है? यस, मदर एच. एंड व्हाट इज दिस? अ बेबी एच. एच फॉर हाउस. और ये क्या है? वेरी गुड, इट्स अ हैट. कहाँ पहनते हैं हैट? यस, ऑन आवर हैट. और ये क्या है? हेलीकॉप्टर. और ये क्या है? हैमर. क्या है ये? यस, हैंड्स. एंड दिस इज अ हॉर्स. दिस इज अ हार्ट. ये वेरी गुड. अभी लास्ट वीक अपने क्या सीखे थे? लेटर ओ. ओ फॉर व्हाट इज देयर? ओ फॉर ऑरेंज. तो अभी क्या करेंगे? आज हम लोग नया लेटर सीखेंगे. एंड व्हाट्स दैट? दैट्स पी. What is this? This is a mother pea and a baby pea. P for parrot. P for pig. And what is this? P for pan. What is this? P for parachute. Goes up in the sky. And this is a plant. आप लोगों ने टोमेटो प्लांट्स, टोमेटो सीड्स डाले थे पॉट्स में, तो उनके प्लांट्स है होंगे ना, तो पी फॉर प्लांट होता है. और वाओ, इट्स अ वेरी क्यूट पांडा. पी फॉर पांडा. आई जस्ट लव पांडास. किसके किसके घर में पांडा का टेडी बेयर है? वाओ. एंड व्हाट इज दिस? इट्स अ पेंगुइन. पी फॉर पेंगुइन. वेयर डू वी फाइंड पेंगुइन्स? पेंगुइन्स आर फाउंड इन Yes, cold areas. Very good. तो फटाफट फटाफट अभी वापस बोलते. P for parrot. P for pig. P for pan. P for parachute. P for plant. And what is this? This is a panda. And what is this? It's a penguin. Very good. अपन क्या क्या सीखे? P, letter P. और division किसका हुआ? E से लेके लेटर एच तक. और अभी अपने को क्या करना है? राइटिंग ऑफ लेटर एफ. पर हम लोग कैसे करेंगे आपको पता है? पहले ना हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले क्ले लेंगे या फिर अपने हैंड से एयर ट्रेसिंग करेंगे. लाइक स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन, दैट मेक्स लेटर एफ. तो हम लोग पहले ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन, दैट मेक्स लेटर एफ. उसके बाद आपको क्ले, क्ले से बनाना, क्ले से लेटर एफ. नहीं तो आपके पास कैंडी स्टिक्स है ही, उससे पहले लेटर एफ बना के दिखाना. वो सब करने के बाद हम लोग राइटिंग स्टार्ट करेंगे बुक में. ओके, डायरेक्ट का सीखा अभी आप लोगों ने, एयर ट्रेसिंग और सब. अभी बोर्ड ट्रेसिंग किया था आप लोगों ने? यस. तो अभी अपन चलते हैं राइटिंग में. कहाँ पे राइट करना है? बुक में. यस, डायरेक्टली नहीं लिखना होता है बुक में. पहले हेड ट्रेसिंग, बोर्ड ट्रेसिंग, फिर बुक में आते. तो अभी अपन बुक में लिखेंगे. पेज नंबर 22 है ये, इसको करना है. पेज नंबर 22 में फर्स्ट लाइन जो ना वो डॉटेड है, तो अब धीरे धीरे डॉट से स्टार्ट करना. और देखो इसमें है ना रेड लाइन, ब्लू लाइन दिया हुआ है, जैसे दिया था ना वैसे बना. ओके, और धीरे धीरे पूरा पेज फिनिश कर देना. ओके, ये. और
अच्छे से करना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, वेरी गुड। और नीचे पता है फिश है और उसको कलर करना है, जिसपे एफ लिखा हुआ ना उसी फिश को कलर करना, दूसरे फिश को मत करना। समझ आया? थम्स अप दिखाओ। ये वेरी गुड। एंड फिर हम लोग चलेंगे अपने खाने के सेक्शन पे। ओके okay?